I believe, in fact, everyone should boycott voting. We'll give the ministers 1 year's time. Let them do what they can do best for the people. We'll see what they do, which minister is doing the best, and then we'll start voting. It's really important for all of us to vote because we are the citizen of India, so we should vote for each and everything. It's our rights to vote, so it's compulsory for each and everyone. Politicians, actually, there must be a young parallel government. Right now, the youngsters should go ahead for the politician line, actually. Corrupt. Well, in a democratic country, I feel that it's we the people who make or break the country. Every citizen has a right to vote. Congress or BJP, दोनों पार्टी चोर हैं, कुछ देश का भला नहीं किया आज तक. I don't know if we'll be able to choose the correct leaders, but we'll ensure at least the wrong people don't get in power. If you don't vote, you don't have any right to criticize any government as such. If you don't take the effort to vote, then you have no right to say that the government sucks or we don't get good infrastructure. So unless all of us get out and vote and try to find out the kind of people we are voting for and who deserves our vote and who doesn't. While we are complaining about all these things, it's also very necessary that we choose the right people who will manage and who will run this place very well. इस पार्टी को गाली देंगे, उस पार्टी को गाली देंगे. आप दाई है, अपने अधिकार का उपयोग कीजिए. काम करने वाला आदमी है. बीजेपी या कांग्रेस वो बात नहीं है, जो अच्छे मतदार नेता है उनको ही चुने. जिस प्रकार से आज हर सर्विस में एक एज लिमिट है, रिटायरमेंट लिमिट है, सब नेताओं की भी एक एज लिमिट होनी चाहिए. अगर आप अपना अधिकार नहीं संभालते तो बाद में उन लोगों को अधिकार कहाँ से प्राप्त होगा जो आपने दिया ही नहीं है. वो क्या कर सकेंगे आपके लिए? कुछ नहीं कर सकते. एक एक वोट महत्वपूर्ण है. कोई भी मुर्दा खड़ा करके पार्टी को देख के वोट करना ये अपने को पसंद नहीं. जरूरी इसलिए है कि अच्छे बुरे का पता चल जाता है कि 5 साल के बाद में कौन आने वाला है और अभी 5 साल की समस्या कैसे हल हो रही है. सारा अपना मटर तो चेंज नहीं है ना, मटर सारा चेंज. क्या इतना बॉडी चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. वो लोग आपस में फाइटिंग करते हैं और एक साथ में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं. हमारे देश में जितने भी कार्यक्रम वोट के सिस्टम में होता है वो पैसों पे बिक जाता है. और मैं चाहता हूँ कि सही दायरे में वोट उसी को करना चाहिए जो इस देश के भविष्य के लिए कुछ कर सके. वोटिंग करके अगर उसका बेनिफिट मिल रहा है तो ठीक है, अगर उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो फिर वोट करके कुछ भी फायदा नहीं है. हमारा वोट तो बहुत कीमती है, उसी की वजह से तो सब पॉलिटिशियन ऊपर जाते हैं. देखिए, वोट करना तो इतना ही जरूरी है कि जितना इंसान को खाना खाना जरूरी है. चांगले काय साठ है तसं काय काय बोलायचं. सारखे तसं साथ 50% यू कैन से अच्छे हैं और 50% बुरे हैं और 70-30 कर देते हैं. 30% अच्छे हैं, 70% बुरे हैं. तो वोट तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो सरकार चलेगी कैसे. आगे बढ़ना है तो वोट करना जरूरी है. इफ यू वांट टू चेंज प्लीज वोट. वोटिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज फॉर एनीथिंग टुमारो इफ यू आस्क मी इफ यू वांट टू ईट बट डोंट वांट टू कुक देन दैट डजंट हैपन. आजकल के नेता बहुत ही कम है जो ऐसे हैं जो देश के विषय में सोचते हैं. ऐसे बहुत ही कम नेता हैं, बाकी सब अपने लिए ही सोचते हैं ज़्यादातर. पॉलिटिक्स में कुछ नेते अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, उनके बारे में हम क्या राय दे सकते हैं. 90% बुरी तरह से आपस में झगड़ के देश को बर्बाद कर रहे हैं. पहली बात तो ये 10% जो लोग हैं वो अच्छी तरह से ठीक से वो देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका भी नाम इनकी वजह से खराब हो रहा है. आई कांट से अबाउट द पॉलिटिशियन बिकॉज दे आर ऑल सेल्फिश एंड दे डू व्हाट दे डू फॉर आवर सेल्फ नॉट फॉर. अभिनेता अगर जाएंगे पॉलिटिक्स करने तो उनका क्या ये रूल रहेगा, आप बताइए. अगर हम नहीं वोट करेंगे तो कोई भी आयरा गहरा आके पॉलिटिक्स में आ जाएगा और आगे चल के हमारा फ्यूचर खराब करेगा. Bring a little bit of soul.